कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया। हालांकि इस वजह से अब ऑटो रिक्शा चालकों को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। एक भी सवारी नहीं मिलने से अब ऑटो चालकों पर भूखे रहने की नौबत आ गई है। BCN न्यूज ने जब उनसे बात की तब उन्होंने अपनी दुख भरी पूरी दास्तां बयान की। आइए जानते हैं क्या कहना था ऑटो चालकों का। शहर में दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आए दिन हजारों की तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। इसकी रोकथाम हेतु प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि इस लॉकडाउन की मार बहुत लोग झेल रहे हैं, जिसमें ऑटो चालकों का भी समावेश है। लॉकडाउन की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। वे एक एक सवारी के लिए भटकते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ ऑटो चालकों से जब हमने बात की तब पता चला कि वो किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। जब हमने ऑटो चालकों से बात की तब उन्होंने बताया कि दिन की उन्हें 100-200 सवारियां भी नहीं मिल रही है। अभी बोले 1500 रुपए देते बोले ऑटो वाले को, तो 1500 रुपए अभी तक आ रही है। सरकार कुछ नहीं कर रहा है, हम भूखे मर रहे हैं यहाँ पे। एक सवारी नहीं लग रही, 2 किलो अनाज देंगे बोले, 2 किलो अनाज के लिए बोले अनाज भी कम दे रहे हैं। हमको वो इतना परेशानी हो रही है कि मतलब 4-5, 6-6 घंटे हम नंबर लग रहे हैं, लेकिन 50 रुपये की सवारी नहीं मिल रही है। बहुत परेशानी है। बसेस वगैरह सब बंद है, एक भी सवारी नहीं आ रही है यहाँ पर नागपुर में। सब छत्तीसगढ़ बंद है, MP बंद है, सब बंद है। इस वक्त उनका कहना था कि दिन ऐसे आ गए हैं कि अब दिन की एक बोनी भी होना मुश्किल है। सरकार हमें 1500 देने वाली थी, लेकिन अब तक वो पैसे नहीं आए और सवारी न मिलने से अब हमें भूखे मरने की नौबत आ गई है। परेशान बोले तो सर बहुत परेशानी। अभी हम 3 बजे से नंबर लगाते हैं और दिन भर में 100-200 रुपए भी नहीं हो रहे। यहाँ तक की बोनी नहीं होती, कभी कभी तो बोनी नहीं होती। क्या करते, अभी बहुत परेशानी है। 100-200 रुपये कमाते, कभी 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 बोवनी नहीं होती, बिना घर चल जाते हैं बिना बोवनी के। घर चलना मुश्किल हो रहा है। सरकार से उम्मीद, जो भी हमारे ऑटो के लिए कुछ देगा सरकार, तो वो मदद उनसे होनी चाहिए हमारे लिए। उतने ऑटो वाले के लिए भूखे में रहने की नौबत आ गई है। दिन भर बोवनी नहीं हो रही है। ये सरकार है कि क्या है, 1500 देते वो नहीं दिए, ना राशन में मिल रहा है, क्या करना चाहिए। तो ऑटो वाले के लिए जहर खा के मरना ही है। अभी आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं है अभी ऑटो वाले को। इस वक्त ऑटो चालकों ने सरकार पर नाराजगी जताई और कहा कि अगर लॉकडाउन बढ़ाया गया तो हम पर आत्महत्या करने की नौबत आ पड़ेगी। कोरोना संक्रमण के कारण सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि लोगों की मानसिक और आर्थिक हालत पर बहुत फर्क पड़ रहा है। इस कोरोना संक्रमण से कोई अछूत नहीं रहा है, इससे हर किसी को जूझना पड़ रहा है, जिसमें ऑटो चालकों का भी समावेश है। कोरोना के चलते ऑटो चालकों की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। वो एक एक सवारी के लिए अब भटकने को मजबूर हो गए हैं। आशा है कि सरकार इनकी गुहार सुने और इन्हें मदद मुहैया कराए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।